आज के एपिसोड में कुछ ट्रैजिक होने वाला है। मैंने नोटिस नहीं किया था कि कोई है जो आगे के एपिसोड्स में दिख नहीं रहा था, फिर अचानक एक क्लिप में मैंने देखा था ये वाली एपिसोड की एंडिंग। ऑलरेडी इस सीरीज़ में इमोशंस को डीपली दिखाया जाता है, आज तो सबको रुला के छोड़ दिया। एनीवेज, जंगल में दोनों बहनें सोने के लिए जाती और आबिदीन और फरहाद बाहर जाग के पहरा देते हैं। इधर एस्मा काजिम की वजह से अपसेट होती है तो खाला सोचती है कि सूना सारा के लिए अपसेट है, वो उसे संभालती है। तभी हालिस आता है और एस्मा उन दोनों को अकेला छोड़ती है। हालिस हतू से कहते हैं, तुम्हें उस आगा से बात करते हुए शर्म नहीं आती? और ये काजिम कब मरेगा? खाला कहती है, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सब हुआ। हालिस कहते हैं, मैंने कहा था कि उसके घर अपने लड़कियों की शादी करवाओ। खाला कहती है, तुम्हारी बहू इफाकत की वजह से हुआ ना, तुम तो मना भी कर सकते थे, तुमने मना क्यों नहीं किया? हालिस कहते हैं, तुम भी मना कर सकती थी ना। खाला कहती है, तुम्हारी वजह से ही आज ये सब हुआ, जैसे तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अंत में तबाह कर दी। हमेशा याद दिलाते रहते हो कि तुमने हम पे कितने एहसान किए हैं, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी भी दे दो तब भी मेरी लाइफ की कीमत नहीं चुका सकते। हालिस गिल्टी फील करके चला जाता है। रात को कुछ लोग अपने रूम में रहते हैं, कुछ लोग एक साथ लिविंग रूम में जागते हैं। कुछ दिनों से फुआद को दिखाया नहीं जा रहा था, इस एपिसोड में उसे बहुत बार दिखाया जाता है। सुबह सायरा बाहर देखती है फरहाद को जो अकेला बैठा है। सायरा कहती है कि मुझे पता है तुम डरे हुए हो, आगे जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस अपसेट मत हो। फरहाद का मूड ठीक हो जाता है। इधर शफीका इतना सारा खाना बनाते बनाते थक गई, इतने अमीर है एक और कुक रखने में कंजूसी क्यों करते। सुल्तान कहती है, सोचा था अब उस सायरा से छुटकारा मिलेगा, फरहाद साहब ने वापस मुश्किल कर दी। शफीका कहती है, दोनों प्यार करते हैं, अलग नहीं रह सकते, देखना सायरा वापस आएगी। दिजले कहती है, सही कहा अम्मी, आप खोखले सपने ना देखें, आपके सपने पूरे नहीं होंगे। सुल्तान कहती है, क्या कहा तुमने, जबान काट दूँ क्या? दिजले बहाना बना देती है पर सुल्तान को डर लगता है कि दिजले ने ऐसा क्यों कहा। इधर आगा को हालिस के टेबल पे खाना खाना ही पड़ता है। फुआत आगे कहते हैं कि आसुमान को चेकअप के लिए ले जाना है। आगा कहते हैं, कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। वरान कहते हैं, गुलगुन ने मुझे बताया था कि आसुमान को सीरियसली चेकअप चाहिए। हालिस आगा से कहते हैं, आगा आपको एतराज़ नहीं होगा ना, मैं आपके लोगों को ढूंढ के लाऊंगा, पक्का वादा है। आगा कहते हैं, हेल्थ का मामला है तो जाने देता हूँ। गुलगुन फुआद से कहती है, तुम दोनों भाई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, कुछ होने मत देना फरहाद को। फुआद प्रॉमिस करके कहता है, आप अब ऐसा ना दिखाएं कि आप फरहाद से ज़्यादा प्यार करती है। गुलगुन कहती है, फरहाद भी यही कहा करता था। फुआद कहते हैं, यानी आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती है? गुलगुन कहती है, किसी को बताना मत, वो मेरी जान है पर तुम पहले पैदा हुए थे, तुम मेरे सबसे करीब हो। फुआद रोने लगता है और गले लगा के कहते हैं, आप भी मेरे लिए सबसे कीमती हो, पता नहीं आज इतना रोना क्यों आ रहा है। ओहो, हमें पता है क्यों हो रहा है। फुआद टोपी लगा के निकल जाता है आसुमान के साथ। तारिक एक सर्वेंट से पूछता है तो वो बताता है कि ये लोग क्यों निकल रहे हैं। तारिक पूछते हैं कि फुआद को ड्राइव करना आता है? आदमी कहता है, हाँ कभी कभी कर लेते। तारिक आदमी भेजता है पीछे, ऊपर से इफाकत देख लेती है। इधर सुबह ये चारों बहुत मज़े करते हैं पर खाने में बस चीज़ और ब्रेड ही है। आज सब कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, जैसे कि सायरा सूना को ढूंढती है तो फरहाद इरिटेट होता है। सायरा कहती है, तुम अपने भाई के लिए फिक्र नहीं करोगे क्या? फरहाद मजाक में कहते हैं, नहीं। इधर इफाकत गुलगुन से बात करती है तो गुलगुन टेढ़े जवाब देती है। इफाकत कहती है, हेलो थोड़ा ठीक से बात कर लोगी? फुआद कहाँ है? गुलगुन कहती है, नहीं करूँगी, मेरे शौहर के बाद मेरे बेटों को यूज़ करोगी क्या? इफाकत कहते हैं, मैंने देखा फुआद के पीछे आगा ने लोग भेजे, अगर तुम लोग खिचड़ी पका रहे हो तो बाद में मुझसे हेल्प मत मांगना, आई होप कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, डिज़र्व करती हो। अब इफाकत ने भी कुछ ऐसा कहा जो नहीं कहना चाहिए था। गुलगुन फुआद को खबर कर देती है। फुआद बैंक जाता है और उसके बाद कंपनी जाता है और वहाँ एक आदमी को अपनी टोपी दे के उसको अपनी गाड़ी लेके पूरे इस्तांबुल में घूम कर एक हॉस्पिटल में जाने कहते हैं, ताकि तारिक के आदमी को लगे कि ये फुआद है और बेवकूफ़ बन जाए। तब तक फुआद और आसुमान दूसरी गाड़ी के पीछे से निकल जाते हैं फरहाद की ओर। इधर तारिक को खबर मिलती है और वो सबको आके बताता है कि फुआद थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, हॉस्पिटल ना जाके पहले वो बैंक गया और फिर गाड़ी बदल के भाग गया, पर हमने सब देख लिया, हमने उसके पीछे लोग भेज दिए है, सब शॉक्ड। आगा कहते हैं, हालिस क्या तुम लोग गेम खेल रहे हो? थोड़ी बहस कर लेते हैं तो हालिस उसका कॉलर पकड़ के कहते हैं, हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते और उसकी बीवी का नाम लेने का? आगा कहते हैं, दुआ करो कि आगे सब अच्छा हो वरना। हालिस कहते हैं, वरना क्या, तुम्हें मैं बहुत पहले ही दफना चुका होता, हतूज के खातिर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वरना उसे गिल्टी फील होता ना, काश तुम्हें मार दिया होता मैंने। काजिम शॉक्ड। इधर कुछ आवाज़ें सुन के ये लोग डर जाते हैं। दूर से सीटी बजती है तो फरहाद भी सीटी बजा के रिप्लाई देते हैं, ये फुआत है। सब हैरान, फुआत और आसुमान आके सबसे गले लगते। फरहाद पूछता है, आपको कैसे पता चला? फुआत बताते हैं कैसे। एनीवेज, ये लोग सारा माहौल बताते हैं घर का। फुआत फरहाद को ढेर सारे पैसे देते हैं, इसीलिए बैंक गया था।
फरहत को साइड में ले जाके कहते हैं, अभी तुम्हारा घर आना सही नहीं होगा, वो लोग अब भी तुम लोगों को अलग करना चाहते हैं, तुम लोग दूर किसी मुल्क में बस जाओ, ये पैसे यूज़ करो। फरहत कहते हैं, अगर आप पकड़े गए तो? फुआद कहते हैं, हम भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। फरहत उससे कहते हैं, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, हम लड़ते हैं पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फुआद अगेन इमोशनल हो जाता है, आंसू रोक नहीं पाता, कहते हैं, मेरे बच्चे हो तुम, दोनों गले लगते हैं। इधर ओरहान गुलगुन को डांटते कि तुमने फुआद को कहाँ भेजा, आगा लोगों को पता चल गया है। गुलगुन डर जाती है, कहती है, उसे भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। कहती है, खुद सोचो कि खुद अच्छे डैड होते तो फुआद मेरे पास नहीं आता, तुम्हारे पास आता, तुम्हें इफ़ाकत के बाहों में सोने से फुर्सत मिले तब ना। ओरहान कहते हैं, इफ़ाकत ने इस फैमिली के लिए हद से ज़्यादा चीज़ें की है। गुलगुन कहती है, मैंने ऐसा क्या नहीं दिया जो उसने दिया है तुम्हें। ओरहान ऑकवर्ड हो जाता है। गुलगुन कहती है, तुम्हारे पीछे भागते भागते ही मैंने अपने बेटे को नज़रअंदाज किया, इसलिए आज वो ऐसे है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार हो, और मैं तुम्हें इफ़ाकत के साथ छोड़ के चली जाऊंगी। अकेले में गुलगुन रोती है क्योंकि उसे लगता है फरहत के साथ कुछ बुरा होने वाला है। इधर फुआत और आसुमान खाना खा के बहुत एंजॉय करते, काश ऐसे ही रह पाते ये सब। एनीवेज जाते हुए फुआत और आसुमान सबसे गले लगते, बहुत इमोशनल था। फुआत सायरा से कहते, मेरे भाई का ख्याल रखना। फुआत और आसुमान कार में होते हैं। फुआत कहते हैं, कहीं हमें दादाजी निकाल ना दे। आसुमान कहती है, काश निकाल दे, हम ऐसे तो जा नहीं पाते, इसी बहाने सही। फुआत कहते हैं, एक दिन जाएंगे हम, तुम अपने पसंद का घर ढूंढोगी, हम एक फैमिली बनाएंगे, वहाँ पूरी दुनिया घूमेंगे। फुआत आसुमान का हाथ चूमता है, दूसरी ओर से एक ट्रक आके उनकी गाड़ी को ठोक देता है। ओरहान को कॉल आती है, खबर सुनते ही वो गिर पड़ते हैं, सब हैरान होते हैं। इफ़ाकत उसके पास जाके उसे संभालती है और कॉल पे सुनती है कि क्या हुआ है। काजिम ओरहान को संभालने लगता है, इफ़ाकत गुलगुन को बताती है, लतीफ़ हालिस को बताता है। ऑब्वियसली झटका तो लगा ही है, सबसे फुआत की आखिरी मीटिंग अच्छी थी सिवाय हालिस के, इसलिए कहते हैं सबसे अच्छे से बात कर लो, क्या पता ये आखिरी मीटिंग हो। सुल्तान शफीका लोगों को बताती है, शफीका भी होश खोने लगती है। इधर ये लोग कहीं जा रहे थे, आबिदीन सिग्नल किसी तरह कैच करके अपना फ़ोन चेक करता है, मैसेजेस आ गए हैं। आबिदीन शॉक्ड, ये लोग भी देखकर शॉक्ड। फरहत को बताते हैं कि आसुमान और फुआत का एक्सीडेंट हो गया, सब हॉस्पिटल में होते हैं। ये अच्छा है कि आगा और काजिम के साथ उसकी फैमिली भी वहाँ है। फरहत और सायरा दौड़ के अंदर जाते हैं। सुना और आबिदीन रो रहे थे, तभी तारिक और उसके लोग उन्हें घेर लेते। फरहत की जान निकल रही है, वो अपनी अम्मी से गले लगता है। गुलगुन कहती है, वो निकल आएगा देखना। इफ़ाकत कहती है, आसुमान बच गई पर फुआत का नहीं बता रहे। ओरहान बेसुध होने लगता है, काजिम उसे संभालता है। काजिम सायरा से कहता है, तुम्हें बाद में देख लूँगा। फरहत ओरहान से मिलके हालिस के पास जाके कहता है, दादाजी कुछ कीजिए, मेरे भाई को बचा ले। हालिस कुछ नहीं कहता, आई नो फरहत टूट चुका है पर वो डर भी रहा है अपनी हरकतों के लिए, इसलिए सबसे जाके बात कर रहा है। काजिम आके फरहत को उठा के गले लगाता है, कहता है, बेटे मत रो, सब ठीक हो जाएगा। फरहत कहते हैं, काजिम पापा मेरे भाई को बचा लीजिए। काजिम कहते हैं, मेरे बेटे फुआत शेर है, उसे कुछ नहीं होगा, वो अभी निकल आएगा देखना। तभी डॉक्टर्स आते हैं, चुपचाप रहते हैं। फरहत डरते हुए कान बंद करके वहाँ से दौड़कर निकल जाता है। गुलगुन जोर जोर से रोने लगती है, सभी रोने लगते हैं। इफ़ाकत इस्मा और खाला गुलगुन को संभालते हैं। मैंने देखा है इफ़ाकत जैसी भी हो, हमेशा गुलगुन को मुश्किल के टाइम संभालती है। उसका भी शौहर चला गया है, अगेन इस घर का और एक बड़ा बेटा चला गया। बाहर बारिश होती है, फरहत बाहर जाके फुआत की सारी बातें याद करके रोता है। सायरा उसे संभालती है। एपिसोड खत्म। इसलिए बार बार फुआत को दिखाया जा रहा था, उसके रिलेटेड चीज़ें दिखाई जा रही थी, और बार बार वो सबसे इमोशनल होकर गले लग रहा था। आई होप कि फुआत का ये हाल तारिक के आदमियों ने ना किया हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो एक ट्रक था, पर इस हाल में भी सुना को घेरना अजीब है, क्योंकि उसने किसी से पूछा भी था कि फुआत को ड्राइव करना आता है कि नहीं। या तो ये फुआत की ड्राइविंग मिस्टेक है, या फिर तारिक ने ऐसा किया था कि चूहा बिल से निकल आए। फुआत को शायद इसलिए मार दिया क्योंकि फुआत को शायद सीरीज से निकलना था, और ऐसे निकाल के शो की रेटिंग बड़ी होगी। एनीवेज वीडियो खत्म।